पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज एक कुंडली आई है मेरे सामने, उसको फलित करने वाला हूँ। यह कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न में बृहस्पति की राशि में लग्न में ही चंद्रमा स्थित हैं और चंद्रमा की राशि में गुरु स्थित हैं। पंचम भाव में उच्च के होकर के 0 डिग्री पर हैं। सप्तम भाव में बुध स्थित हैं, परमोच्च होकर के कन्या राशि में 16 अंश पर। वहीं शुक्र अष्टम भाव में स्थित हैं शनि के साथ तुला राशि में, शनि उच्च के और शुक्र स्वक्षेत्री। मंगल राहु दशम में गुरु की राशि में अंगारक योग बना रहे हैं। इन्होंने कहा था कि भगवान राम की कुंडली कर्क लग्न की थी, उनकी कुंडली में अधिकतर ग्रह उच्च के थे। निश्चित ही भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में 6 ग्रह उच्च के थे लगभग, और वह जीवन पर्यंत किसी ना किसी समस्याओं से जूझते रहे। वैसे तो भगवान हैं, फिर भी समझने के लिए हमको उनकी कुंडली देखनी चाहिए, लेना चाहिए। बता देता हूँ, भगवान राम के लग्न में ही कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा स्थित थे। सप्तम से मकर के मंगल उच्च के होकर के गुरुदेव बृहस्पति को, चंद्रमा को देख रहे थे। चंद्र और गुरु की युति लग्न में कर्क राशि में, गुरु उच्च के, चंद्रमा स्वराशिस्थ। इस स्थिति में यह तो हुआ गज केसरी योग, प्रबल गज केसरी योग हुआ। साथ ही दशम सप्तम से उच्च के मंगल देख रहे हैं, यह योग हुआ चक्रवर्ती सम्राट योग। भगवान रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता और सर्वविदित है उनकी ख्याति, परंतु फिर भी क्या उनका जीवन सुखी रहा? तो यह कहना हमेशा गलत है कि केंद्र में अधिक ग्रह होंगे तो वह व्यक्ति सुखी होगा, आजीवन अच्छा जीवन जीने वाला होगा, संतुष्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सुखी तो वह है वास्तव में जिसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास सब कुछ है वही दुखी है। विचार करके देखिए, अगर आप बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़ी कंपनियां चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशान रहना पड़ेगा, चिंतित रहना पड़ेगा। अपना कार्य क्षेत्र चलाने के लिए, अपना कार्य क्षेत्र संभालने के लिए परेशान रहना पड़ेगा। इसीलिए यह कहना सर्वथा गलत है कि अगर सब कुछ है, धन धान्य से व्यक्ति परिपूरित है तो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा, यह कहना गलत है। हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर देखा है, अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह, सात्विक ग्रह अपनी राशि में स्थित हों, साथ ही चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, सात्विक ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति आजीवन सुखी रहता है। यह चीज़ मैंने स्वयं देखी है। बात कर लेते हैं इनकी कुंडली की। इन्होंने कहा, एक पोस्ट आई थी फेसबुक पेज पर, तो वहाँ पर था कि केंद्र में अगर ग्रह 3 से ज़्यादा उच्च के हों तो व्यक्ति आजीवन सुखी समृद्ध रहता है, ख्याति प्राप्त करता है। तो वहीं पर इन्होंने कमेंट किया था कि ऐसा नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु स्थित हैं। चतुर्थ केतु व्यक्ति को आजीवन सुखी नहीं रहने देते कभी भी। मैंने कहा जैसा कि चतुर्थ में जब शुभ ग्रह हो तभी व्यक्ति आजीवन सुखी रहता, नहीं सुखी नहीं रहता। वहीं आपकी कुंडली में दशम भाव में मंगल और राहु की युति है धनु राशि में। यह अंगारक योग है, प्रबल अंगारक योग है। दशम से यह योग मंगल राहु चतुर्थ को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चतुर्थ को आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित किया होगा, जैसे भूमि, भवन, वाहन से संबंधित हमेशा झंझटें बनी रहना, कार्यक्षेत्र में हमेशा परेशानी बनी रहना, हमेशा आपके जीवन में ऐसा रहा होगा। अगर आपके चतुर्थ भाव से माता का भी विचार होता है, तो अगर चतुर्थ भाव से माता का विचार करें तो माता जी का स्वास्थ्य तो कहीं ना कहीं ठीक रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वह लग्न में चले गए हैं गुरु की राशि में। परंतु फिर भी चतुर्थ भाव, माता, भूमि, भवन, वाहन, हमेशा इन चीज़ों से संबंधित झंझट परेशानियाँ आपके सामने खड़ी ही रही होंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वहीं अगर आपके चतुर्थ पंचम भाव में स्थित बृहस्पति की बात करें, तो कर्क राशि में 0 डिग्री पर हैं बृहस्पति। अब 0 डिग्री का ग्रह क्या करेगा, मतलब कुछ नहीं। तो फिर भी ग्रह हैं, अपना तत्व इनमें रहता है, भले ये मृत हो जाएं।
तो आपने येन केन प्रकारेण शिक्षा जरूर पूर्ण कर ली होगी, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं। आप आध्यात्मिक भी होंगे क्योंकि लग्नपति गुरु पंचमस्थ हो गए हैं और आपकी कुंडली में शुक्र अष्टमस्थ हैं, जो आध्यात्म का भाव है। अर्थात कहीं ना कहीं आप अत्यंत अधिक आध्यात्मिक हैं। साथ ही वहाँ पर शनि स्थित हैं, शनि आयु को बढ़ाने वाले हैं, शनि आयु को बढ़ाने वाले हैं, साथ में संन्यास को भी दिलाने वाले हैं। अष्टमस्थ शनि आपको आध्यात्मिक तथा संन्यासी वृत्ति वाला बनाने वाले होंगे। लग्न पर चंद्रमा स्थित ही हैं गुरु की राशि में, कहना ही क्या। तो मेरा केवल यहाँ पर यही कहना था कि जो लोग यह कहते हैं कि केंद्र में अगर ग्रह, तीन ग्रह उच्च के हो जाएं, चार ग्रह उच्च के हो जाएं, स्वक्षेत्री हो जाएं, तो व्यक्ति आजीवन सुखी रहता है, ऐसा कदाचित नहीं है कि व्यक्ति आजीवन सुखी रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति सुखी रहे, समृद्धि प्राप्त करे केंद्र में चार ग्रह उच्च के स्वक्षेत्री हैं। हाँ, जब चतुर्थ भाव में, केंद्र के चतुर्थ भाव में सात्विक ग्रह अपनी राशि में स्थित होगा तथा उस पर किसी पापक ग्रह की, राहु शनि जैसे ग्रहों की, सूर्य जैसे ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तो निश्चित व्यक्ति आजीवन सुखी जीवन बिताने वाला होगा, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। ऐसा व्यक्ति टेंशन फ्री रहता है जीवन भर, और सब कुछ प्राप्त भी पर्याप्त मात्रा में, अधिक नहीं, पर्याप्त मात्रा में, जितनी ज़रूरत है उतना ही प्राप्त करेगा। और हाँ, अगर केंद्र में शुभ ग्रह, पापक ग्रह सब हैं, जैसे यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल राहु स्थित हैं, तो मंगल अगर दशम में स्थित हैं तो आपके पास जमीन भूमि होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। ये चीज़ें झंझट में जरूर रहेंगी क्योंकि राहु वहीं पर स्थित हैं, परेशानियाँ इन चीज़ों से संबंधित लेकर रहेगी। जब आप उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो समस्याएं तो जरूर आएंगी, उनको हल भी करना पड़ेगा। तो बस यही कहना था कि अगर केंद्र में तीन से अधिक ग्रह सुक्षेत्री, तीन से अधिक ग्रह उच्चस्थ हों, तो यह बिल्कुल गलत है कि व्यक्ति आजीवन समृद्धि ख्याति प्राप्त करता रहेगा, सुखी रहेगा, ऐसा नहीं है। आपने भगवान रामचंद्र जी की कुंडली का उदाहरण दिया था, बता देना चाहता हूँ कुंडली तीन स्थितियों पर चलती है, देश, काल और परिस्थिति। हमेशा जब भी कुंडली को फलित करें, तीन स्थितियों में फलित करें, कौन सा देश है, कौन सी परिस्थिति है, क्या समय है। वह त्रेता युग था और यह आज कलयुग है। वह भगवान रामचंद्र जी थे, हम आम मानव हैं। तो इन सब बातों का विचार करके ही कुंडली का फलित करना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में जो षष्ठम भाव में सूर्य स्थित हैं अपनी राशि में, वह कहीं ना कहीं आपको शत्रुघ्नता बनाएंगे, आपके सामने आपके दुष्ट दुश्मन कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। वहीं सप्तमस्थ बुध आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने वाले होंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन का विचार शुक्र से भी किया जाता है, तो आपके शुक्र अष्टमस्थ हैं, शनि के साथ स्थित हैं, तो 100% आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहा होगा। मैं कह सकता हूँ आपका दाम्पत्य जीवन 60% 70% अच्छा रहा होगा, 30% 30% आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। यह रही आपकी कुंडली। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से संतुष्टि होगी। नमस्कार, पुनः मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो पर।